शायद उनका उनका निजी स्वार्थ था उसमें कि शायद हम प्रोटेस्ट करवाएंगे तो हमें कुछ बेनिफिट मिल जाएगा या हम प्रेसिडेंट बन जाएंगे। प्रोटेस्ट का आइडिया दिया और फिर भी हमारे साथ प्रोटेस्ट पे नहीं बैठी, प्रोटेस्ट के बैक साइड से सब हैंडल कर रही थी, हमारे प्रोटेस्ट को चला रही थी, जबकि हमें बहुत बाद में समझ में आया कि हमारे साथ खेल हो गया। पहले प्रोटेस्ट में हमें 3 दिन में उसने उठा लिया और जबकि उसके बाद हमें कुछ नहीं मिला। शायद उनका उनका निजी स्वार्थ था उसमें कि शायद हम प्रोटेस्ट करवाएंगे तो हमें कुछ बेनिफिट मिल जाएगा या हम प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो लेकिन हमें उस टाइम उनकी चाल समझ में नहीं, हम तो सिर्फ सीधे मन से चले गए थे कि नहीं, रेसलिंग में गलत हो रहा है, हैरेसमेंट हो रहा है, तो हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो ये प्रोटेस्ट वहाँ से शुरुआत हुआ। देखिए ये कहना चाहूंगी, साक्षी मलिक बेबुनियाद आरोप लगा रही है और कल को ये भी कह सकती है कि नहीं, यौन शोषण के आरोप ही बबीता ने लगवाए, और उसके बाद फिर ये भी कह सकती है कि नहीं, शोषण ही बबीता फोगाट ने किया है। कितने उनके आरोपों बेबुनियाद जो आरोप बार बार लगा रही है। साक्षी मलिक ये भी कह सकती है कि नहीं, गंगा में बहाने का मेडल जो देश के मेडल थे वो गंगा में बहाने का प्लान भी बबीता का था। प्रधानमंत्री के घर के बाहर जिस तरह से जो देश का सम्मान जो सबसे बड़े अवार्ड जो थे वो रखने का भी प्लान बबीता ने दिया था। साक्षी मलिक तो खुद ये एक इंटरव्यू में कह चुकी है कि मैं भी अध्यक्ष WFI के अध्यक्ष बन सकती हूँ। तो जो खुद ये अपने इंटरव्यू में बोल रही कि मैं भी WFI के अध्यक्ष बन सकती हूँ, तो वो आरोप मुझ पे क्यों लगा रही। किस चीज का लालच? अब ये तो साक्षी मलिक जी बता पाएंगे। नहीं तो आप उन्हीं से पूछो ना, उन्हीं से पूछो ना, मतलब लालच किस चीज का? खिलाड़ी होने के नाते अगर महिलाओं के लिए बोलना, अपनी बहनों के लिए अगर बोलना लालच है तो वो लालच मैं अच्छा मानती हूँ। अगर देश को रिप्रेजेंट करके ओलंपिक्स तक अगर मेडल लाने का जो लालच हमारे अंदर है और वो मरते दम तक जिंदा रहेगा, मैं मानती हूँ वो लालच अच्छा है और हर किसी को आना चाहिए।